नमस्कार। पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज बाबर आजम ने जबरदस्त कोहराम मचाया हुआ है। क्या वनडे, क्या टी20, फॉर्मेट कोई भी हो, उनके बल्ले से ताबड़तोड़ रन बरस रहे हैं। वनडे में शतक मारकर अपनी टीम को सीरीज जिताने वाले बाबर आजम का बल्ला टी20 में भी खूब चल रहा है। जिस दिन वो रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली को वनडे में पछाड़कर नंबर वन बल्लेबाज बने, उसी 14 अप्रैल को उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 59 गेंदों पर ही ताबड़तोड़ 122 रन ठोक दिए। उन्होंने नंबर एक खिलाड़ी बनने का जश्न कुछ इसी तरीके से मनाया। बाबर आजम के बल्ले से बरस रहे ये रन बता रही हैं कि इस खिलाड़ी ने यूं ही विराट कोहली से नंबर वन बल्लेबाज की कुर्सी नहीं छीनी है, बल्कि इस खिलाड़ी में कुछ तो बात है जिसने हजारों दिनों से नंबर वन रहे विराट कोहली को भी वनडे में पछाड़ दिया। वैसे ही जानकर आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम ने अगर विराट कोहली को नंबर वन की कुर्सी से हटाया है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह खुद विराट कोहली ही हैं, जिन्हें बाबर आजम एक तरह से अपना गुरु मानते हैं। दरअसल क्रिकेट की दुनिया में बाबर आजम और विराट कोहली की खूब तुलना होती है, लेकिन हकीकत यह है कि खुद बाबर आजम विराट कोहली के जबरदस्त फैन है। वो विराट कोहली से सीखने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि उनका बल्ला जो आग उगल रहा है इसकी वजह भी कहीं ना कहीं विराट कोहली ही है। ये बात बाबर आजम ने खुद स्वीकार की है। वनडे रैंकिंग में विराट कोहली की बादशाहत खत्म करने वाले बाबर आजम ने बताया, एक बार मैंने विराट कोहली से बात की थी, उन्होंने मुझसे नेट सेशन को भी मैच की तरह ही गंभीरता से लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा था, अगर आप नेट्स में खराब शॉट मारकर आउट हो रही हैं तो मैच में भी आप वैसा ही करेंगे। बाबर आजम ने बताया, पहले मैं नेट सेशन पर ज्यादा फोकस नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं इससे बाहर आया। मैं इस बात को समझने लगा कि अगर मैं सेशंस को गंभीरता से नहीं लूंगा तो मैं मैच में अच्छा कैसे खेलूंगा। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम के इस खुलासे के बाद ये कहावत भी सही साबित हो गई कि गुरु गुरु ही रह गया, चेला चीनी हो गया। यानी बाबर आजम के नंबर वन बनने पर पाकिस्तान के लोग भले ही उछल कूद मचा रहे हों, लेकिन उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि वो नंबर वन बने हैं तो इसके पीछे भी विराट कोहली का ही हाथ है। ये बात उन्होंने पाकिस्तान के ओपनर इमामुल हक के साथ बातचीत में खुद स्वीकार की, जिसकी वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साझा भी की है। बता दें आपको, 26 साल के बाबर आजम अब तक 80 वनडे खेल चुके हैं और उनके नाम 13 शतक के साथ 3,808 रन है, जबकि 31 टेस्ट मैच में 5 शतक के साथ 2,167 रन है।